खालिस्तान समर्थक से अब सांसद बन चुके जेल में बंद अमृतपाल सिंह जल्द ही सांसद पद की शपथ लेने वाला है, लेकिन अमृतपाल की यह शपथ कुछ शर्तों के साथ आई है। क्या है वो शर्तें, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। दरअसल वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीता है। अमृतपाल के शपथ ग्रहण की इजाजत NIA ने दी है। अमृतपाल 5 जून को शपथ लेगा। स्पीकर के कार्यालय में ही अमृतपाल शपथ लेगा। देश विरोधी ताकतों में संलिप्त खालिस्तान समर्थक अमृतपाल अब सधे हुए राजनेता की तरह खुद को पेश भी कर रहा है। उसने अपनी मां बलविंदर कौर की तरफ से एक मैसेज भी करवाया है पेश, जो कि मांग है कि उसे पंजाब आने की इजाजत दी जाए, जिससे वो अपनी लोकसभा में लोगों की मुश्किलें सुन सके। वैसे अमृतपाल लोकसभा चुनाव तो जीत गया है, लेकिन उसे पंजाब में एंट्री नहीं मिल सकेगी। वो अपने गाँव भी नहीं जा सकेगा। वजह यह है कि अमृतपाल अभी भी जांच एजेंसियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। शुक्रवार से अगले 4 दिनों तक वो पैरोल पर आजाद रहेगा। असम के डिब्रूगढ़ जेल अधीक्षक को उन तमाम शर्तों के बारे में बता दिया गया है, जिनके आधार पर उसे जमानत मिली है। अमृतपाल सिर्फ शपथ लेने के लिए ही दिल्ली आ सकेगा, वो कहीं और नहीं जा पाएगा। उसे रात में भी राजधानी दिल्ली में ही रुकना पड़ेगा। बात अगर अमृतपाल के स्केड्यूल की करें तो 4 जुलाई को अमृतपाल दिल्ली पहुंचेगा। वो रात में यहीं रुकेगा और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। वो हमेशा ही सुरक्षा के घेरे में रहेगा, उससे कोई मिल नहीं सकेगा। पंजाब पुलिस उसे सुरक्षा देगी। अमृतपाल को दिल्ली लाने के लिए एक विशेष टुकड़ी असम के डिब्रूगढ़ भी गई है। डिब्रूगढ़ के पुलिसकर्मी भी उनके साथ रहेंगे। अमृतपाल सिंह के दिल्ली आने का प्लान राज ही रखा गया है। अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 15 के तहत रिहा किया जाएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया अमृतसर ग्रामीण SSP द्वारा तय की गई है। पुलिस टीम की देखरेख में ही होगी ये। शपथ लेने से पहले और बाद में अमृतपाल सिंह अमृतसर ग्रामीण SSP और लोकसभा सचिव द्वारा तय की गई जगह पर ही रहेगा। अमृतपाल संसद भवन में शपथ लेगा और वापस चला जाएगा। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसे कुल 4,04,430 वोट्स मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह को महज 2,00,000 वोट ही पड़े थे। जीत का मार्जिन 1,97,000 से ज्यादा था। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 60 दिनों के भीतर ही निर्वाचित सदस्यों को संसद में शपथ लेनी होती है। अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत केस दर्ज है। उस पर UAPA भी लगा हुआ है। ऐसे में उसकी जमानत की डगर बेहद मुश्किल है। वो पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने वाला सबसे बड़ा चेहरा भी बन गया है। उसे जरनैल सिंह भिंडरांवाले 2.0 भी कहा जाता है। अमृतपाल सिंह का पंजाब में अचानक उभार हुआ है। अमृतपाल ने 23 फरवरी को अजनाला थाने में घुसकर तांडव भी मचाया था। जब विवाद बढ़ा था तो उसके खिलाफ वारंट जारी करना पड़ा था। पुलिस कई हफ्ते तक उसे तलाशती रही थी। बाद में 23 अप्रैल 2023 को मोगा से वो पकड़ा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमृतपाल लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी दिन चुनाव प्रचार नहीं करने गया था, लेकिन फिर भी वो बड़े अंतर से चुनाव जीता था। पंजाब में उसका उभार हैरान करने वाला है, साथ ही परेशान भी करने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।